हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इनकम टैक्स का रिटर्न ITR 1। उन केस में जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, आइदर प्राइवेट में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, POC में जॉब करते हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी जो इंडिविजुअल हैं, जो सैलरीड हैं, एम्प्लॉय हैं, इन सभी को ITR 1 अप्लीकेबल होता है। तो ITR 1 ऑनलाइन हम कैसे फाइल कर सकते हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ITR फाइल करने के लिए आपके पास पोजीशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, साथ ही आपका होम लोन है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने FD वगैरह किया हुआ तो FD का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेविंग में इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितना मिला है वो आप कैलकुलेट करके रख लीजिए। इसके अलावा आपके LIC, म्यूचुअल फंड या ट्यूशन फीस से रिलेटेड कोई पेमेंट है तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड आपने कोई इंश्योरेंस कराया है, LIC का इंश्योरेंस कराया है और कोई इंश्योरेंस कराया है लाइफ से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। या और कोई भी डॉक्यूमेंट जो जिसमें इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है, उस डॉक्यूमेंट वहाँ डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। उससे पहले आपके पास इनकम टैक्स का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। इनकम टैक्स का जो यूज़र आईडी होता है वो हमेशा पैन कार्ड होता है। सिर्फ पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है, पासवर्ड नहीं भी है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन से इसको पासवर्ड को पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट में आपको जाना है, आपका पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको पासवर्ड पूछेगा, यदि आपको पासवर्ड पता है तो आप पासवर्ड डाल दीजिए, अदरवाइज़ आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल आईडी के माध्यम से भी इसको रिसेट कर सकते हैं और चाहे तो आप आधार OTP के माध्यम से भी रिसेट कर सकते हैं। लॉगिन आप जैसे ही करेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में फाइल नाउ का ऑप्शन आएगा। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्रॉस चेक करने के लिए डाउनलोड करनी है, सभी के लिए है। आप ई फाइलिंग में आपको जाना है और व्यू 26ES में जाना है। इस पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको मिस आउट नहीं करना है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ITR में लेनी है, अदरवाइज आपको नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, 22-23 और HTML और व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्म 16 में जो भी सैलरी आई होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे इस ये CRPF या CISF का एक फॉर्म 16 है, तो साल भर में जिस सैलरी पे आपका TDS डिडक्ट हुआ वो इतना है। आपकी सैलरी ज़्यादा होगी बट जहाँ से TDS अप्लीकेबल होता है वहाँ से जितनी सैलरी होती है वो यहाँ पे दिखती है, तो आपको ये अमाउंट इतना आप क्लेम कर सकते हैं। आपके फॉर्म 16 में 39537 अमाउंट मैच होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ यदि यहाँ पे डिडक्शन है तो वो दिखते हैं या कुछ इनकम है तो दिखती है, जैसे कि आपकी FD की इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे शो होगी, इनकम टैक्स के रिफंड में जो इंटरेस्ट आया उसकी इनकम शो होगी, तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पे शो होती है। तो उसको चेकआउट करना है और उसको प्रॉपरली आपको अपने ITR 1 में लेना है। साथ ही साथ आपको AIS और TIS दोनों इन्फॉर्मेशन भी आपको डाउनलोड करके रखनी है। उसके लिए आपको सर्विस में जाना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ पे आपने साल भर में जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर कुछ लेन देन किए होंगे, जैसे शेयर मार्केट में कुछ लेन देन किया होगा, FD बनाया होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसे मिस आउट नहीं करिएगा, इसे कोई भी चेक करना आपके लिए मैंडेटरी है। आप चेक करके देख लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट तो नहीं हो रही है, राइट? तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और इसका पासवर्ड जो होता है वो यहाँ पे लिखा है, देखिए पढ़ लीजिए। पैन कार्ड नंबर आपका और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा, पैन कार्ड नंबर स्मॉल में और डेट ऑफ बर्थ विदाउट स्लैश में, ठीक है? तो ये आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या है। देखिए मुझे सैलरी मिली है तो सैलरी यहाँ पे दिख रही है जो 26 ईयर से भी मैच हो रही है, राइट? इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको यहाँ दिखेगी, आपने शेयर खरीदा होगा, टैक्स पेमेंट किया होगा, डिमांड होगी, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे दिखती है।
तो मुझे दिख रही है कि मेरी ग्रॉस सैलरी 827,575 है, जो कि आपके फॉर्म 16 से मैच होगी। तो आपको AS भी देखना है और 26 AS भी देखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन यदि मिसमैच होती है तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिख के रख लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, अब जब आपने 26 AS और AS की इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है और फॉर्म 16 आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फॉर्म 16 है CRPF CISF का, और आपके पास फॉर्म 16 प्राइवेट का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है, जैसे कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, आपको डिडक्शन क्या क्या मिला है आपका, फिर उसके बाद जो ग्रॉस डिडक्शन है वो क्या है, एग्जेम्पशन क्या है, अलाउंसेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है आपके फॉर्म 16 में। उसके बाद आपको सिंपली जाना है ई फाइलिंग में, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसका सिंपली आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन कंटिन्यू, ठीक है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में आपको क्लिक करना है। आप एक इंडिविजुअल हैं, ऑटो क्लिक आ जाएगा, कंटिन्यू करना है। साथ में आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद ITR 1 करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड में। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है इनकम टैक्स, ये टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्योंकि मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये समझना ज़रूरी नहीं है। मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ ITR 1 सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। तो हमेशा आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टैब को कंप्लीट करना है। पहला जो टैब होता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को होता है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल होती है और एड्रेस होता है। दूसरे में आपको फॉर्म 16 से रिलेटेड इनकम की डिटेल होती है। तीसरे में फॉर्म 16 से रिलेटेड सारे डिडक्शंस होते हैं। उसके बाद कितना टैक्स पेड है, ये 26 AS से यहाँ पे आता है, जो कि आपके फॉर्म 16 से मैच होगा। और लास्ट जो टैब होता है टैक्स लाइबिलिटी, डिसाइड करता है कि कितना टैक्स आपको पे करना है या रिफंड होगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम आपको एक एक टैब के बारे में बताते हैं। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको टैब ओपन करके जरूर देखना है, नहीं तो लास्ट पे एरर आएगा, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो ऑटोफिल नहीं आता। आप देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम या सब कुछ सही है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इसके लिए आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि 99% एड्रेस ऑटोफिल नहीं आता, तो आपको हाथ से फिल करना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए एड्रेस नहीं आया, तो आपको हाथ से फिल करना होगा। आपका जो एड्रेस है आप पिन कोड सबसे पहले डालिए, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डालना होगा। आप अपने एड्रेस को पहले पिन कोड डाल के बाकी सभी एड्रेस को प्रॉपरली फिल करके सेव कर दीजिए। जैसे ही आप एड्रेस को फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। उसके बाद आपको पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप किस गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है, आप पेंशनर हो सकते हैं, या आप इन सब में नहीं है, प्राइवेट में काम करते हैं, तो अदर का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको पूछेगा फाइलिंग सेक्शन, हमेशा आप 139 सबसेक्शन 1 ही रखिए, क्योंकि आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। यदि आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो 139(5) फाइल करने के बाद ही आप रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप पुराने आपके रिटर्न है और कंडोनेशन ऑफ डिले आपको मिला हुआ है, तो 119(2B) में आपको करना है। और बिलेटेड रिटर्न 139(4) आता है, जो अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी ड्यू डेट ओवर नहीं हुई है। ये पैरा आपके काम का भी नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं करना है, कुछ भी चीज़ें आपको नहीं कर छेड़नी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके फॉर्म 16 में लिखा होगा कि आप जो न्यू टैक्स रिजाइम है 115 BAC की, वो अडॉप्ट कर रहे हैं क्या। यदि यस करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा, जो 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 के स्लैब रेट पे है, पर वो बेनिफिशियल नहीं होता, तो इसको नो करिए। यदि आपके फॉर्म 16 में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ लिखा होता है, ये देख लीजिए, एज पर ओल्ड रिजाइन बोल रहा है, तो हम न्यू रिजाइन को नो ही करेंगे, एज पर ओल्ड ही हम जाएंगे, राइट।
तो हमने नो कर दिया है। साथ ही आप बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए। यदि वैलिडेट नहीं है तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करिए, तभी ITR फाइल करिए, अदरवाइज आपको रिफंड में इशू आएगा। वैलिडेटेड लिखा है, इट्स ओके। आप एक बार इसको यहाँ से व्यू अकाउंट करके या अकाउंट को एडिट भी कर सकते हैं, व्यू अकाउंट करके आप अपने बैंक अकाउंट नंबर की जांच यहाँ पे कर सकते हैं, और हमेशा ही सेलेक्ट फॉर रिफंड को इनेबल करना है। अब में इस स्टेप को कंफर्म करना होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो चाहिए थी वो डाल दिया। अब जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे ग्रीन टिक और कंफर्म लिखा जाएगा। अब सेकेंड वन है ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्लिक करना है। आपको फॉर्म 16 आपके सामने रखना है, तो सारी डिटेल आपकी फॉर्म 16 में लिखी होती है, वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी होती है। फॉर्म 16 में आप पढ़ लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन मिला है, एक्सपेंडिचर फॉर ट्रैवल कॉस्ट, रिमेंबर्समेंट मिला है, ये प्राइवेट वाले को मिलता है। मिला तो यस कर दीजिए, यस करने के बाद आपको वो अमाउंट लिखना होता है। नहीं मिला है तो कुछ नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे पढ़ लीजिए कि किसी प्रकार का अलाउंसेस आपको मिल रहा है, चिल्ड्रन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, तो यस करना है, यस करके अमाउंट लिखना है। यदि आपको किसी प्रकार का HRA आपको मिला है रूल 10-13 के हिसाब से, तो यस करिए और अमाउंट लिखिए। यदि आपको ट्रैवल कंसेशन वगैरह मिला है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस मिला है, तो यस करिए। और इसके अलावा और भी कोई एग्जेम्पशन मिला है जो कि आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है, तो यस करके आप यहाँ डिटेल उसकी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 में मिलेगी, और इसको फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू का बटन में क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी आपके फॉर्म 16 से आती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब, यदि आपने कोई लोन लिया होगा तो आप इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलता है, आप जो होम लोन में इंटरेस्ट पे करते हैं, वो आपको यहाँ डालना होगा। साथ ही अदर सोर्स की इनकम, मतलब जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से किसी प्रकार का डिविडेंड आपको मिला है, FD का इंटरेस्ट मिला है आपको मिला है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालनी होगी। लेकिन अभी इससे पहले हम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी को फॉर्म 16 से मैच कर लेते हैं अच्छे से। तो एडिट के ऑप्शन में आपको जाना होगा पहले। यदि आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके फॉर्म 16 में जो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) दिख रही है, वो यहाँ पे दिखेगी, मैच होगी। इसके अलावा कोई परीक्षुट आपको मिला है जो 26 AIS में भी दिया होगा, और 20 आपका फॉर्म 16 में भी, वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। साथ में लीव ऑफ सैलरी से रिलेटेड कोई पैसा आपको मिला है तो वहाँ लिखना होगा। यदि नहीं मिला तो 0 रहने दीजिए, राइट। उसके बाद नीचे हम आते हैं एग्जेम्पशन। ये फॉर्म 16 में सारे एग्जेम्पशन आपको दिए होते हैं, तो उससे आपको देखना है कि कौन सा एग्जेम्पशन आपको मीट कर रहा है। लीव ट्रेवल कंसेशन मिला है तो अमाउंट लिखना होगा, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिला है तो लिखना होगा, वैल्यू ऑफ पेंशन आपको मिला तो यहाँ लिखना होगा, आपको इन्हेंसमेंट ऑन रिटायरमेंट कुछ मिला है तो वो लिखना होगा, HRA मिला होगा तो लिखना होगा। यदि ये कुछ नहीं मिला तो आपको यहाँ से इसको डिलीट करना होगा। ये ऑटोफिल भी जाता है कई बार फॉर्म 16 में के हिसाब से, तो आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन सही है क्या नहीं है, राइट। हाँ, अब इसके अलावा जो लिस्ट में दिया हुआ है, आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है और आपके फॉर्म 16 में वो एग्जेम्पशन है, जैसे आर्मी वाले को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे KWA अलाउंसेस हो गया, फिर आपका ड्रेस अलाउंसेस हो गया, तो ऐसे अलाउंसेस जो यहाँ पे नहीं दिख रहे ये लिस्ट में आपको, तो आप अदर्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे ड्रेस अलाउंसेस मिला, या जो भी अलाउंसेस आपको मिले आप यहाँ पे वो अलाउंसेस को शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितने भी चाहे उतने आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिला हुआ है, यदि आपका PT कटा हुआ है फॉर्म 16 में तो यहाँ लिख दीजिए। वैसे तो ऑटोफिल आता है, नहीं कटा होगा तो नहीं आएगा। इसके बाद आपको सिंपली से सेव कर देना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म 16 से लिखी सारी, फॉर्म 16 में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो फॉर्म 16 की सारी डिटेल फिल करने के बाद हम आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे।
हाउस प्रॉपर्टी पे आपके पास होना चाहिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको बैंक इशू करती है, या आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है होम लोन तो वो इशू करेगी। तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो लिखना है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। यदि आपको रेंट रिसीव होता है तो लेट आउट पे आपको लिखना है जितना रेंट मिलने वाला है। पर 99.9 केसेस में सभी लोगों का होम लोन होता है, तो हम होम लोन पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करेंगे और जितना भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, आपने जो पी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बाइफर्केशन वहाँ पे होगा, तो आप इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरिंग कैपिटल पे यहाँ पे लिख देना। जितना भी अमाउंट आपका है वो अमाउंट आप लिख के आगे बढ़ सकते हैं। और बचा हुआ अमाउंट जो है आपको ATC के डिडक्शन में लिखना है हाउसिंग में, राइट। तो ये हो गया हमारा होम से रिलेटेड चीज़ें। अब आती है अदर सोर्स में की इनकम। अदर सोर्स में क्या हो सकता है? इनकम टैक्स का रिफंड का इंटरेस्ट हो सकता है, सेविंग का इंटरेस्ट हो सकता है, FD का इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। तो सभी चीज़ यहाँ दी है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट? यदि है तो आपको यस लिखना है, ठीक है। यदि नहीं है तो नो। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डू यू हैव एनी रिसीव इनकम इन्हांस और कंपनसेशन? तो आपको पोस्ट ऑफिस, सेविंग, कोऑपरेटिव में बैंक में अकाउंट है तो उससे रिलेटेड को इंटरेस्ट मिला है क्या, वो लिखना है। डू यू हैव रिसीव एनी इनकम टैक्स रिफंड? रिफंड आपको मिला है इनकम टैक्स का तो उसको यस करके अमाउंट लिखना होगा। डू यू हैव इंटरेस्ट अकॉर्ड? डू यू हैव इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू एक्शन टैक्सेबल एज पर फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11? यदि इनकम ये प्रोविडेंट फंड का आपका पैसा मिला है, उसमें इंटरेस्ट आपको मिला है, तो वो टैक्सेबल होगा। डू यू हैव इंटरेस्ट अकाउंट कंट्री? PF से रिलेटेड यह चीज़ें हैं, ये भी PF से रिलेटेड है, ये भी PF से रिलेटेड है। फैमिली पेंशन आपको मिलती है तो वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा कोई इनकम है जो आपको मिलती है वो यहाँ लिखना है। यदि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और डिविडेंड आपको मिलता है तो वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ सभी अदर सोर्स की इनकम में काउंट होने वाली है आपके, राइट। आपको कंटिन्यू के बटन में क्लिक करना है इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद। अब हमने इनकम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएंगे डिडक्शन वाले पार्ट पे। आप ये समरी को क्रॉस चेक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो यहाँ पे सही से रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। जो सेविंग का इंटरेस्ट होता है, FD का इंटरेस्ट होता है, वो 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जो भी रहेगा वो टैक्सेबल होता है। अब हम आ जाते हैं डिडक्शन के ऊपर। हमारे दो टाइप कंप्लीट हो गए। अब आपके फॉर्म 16 में कुछ डिडक्शन दिया होगा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, PPF में जमा किया है, LIC में जमा किया हुआ है, म्यूचुअल फंड में है, NPS में है, फिर सेक्शन ATCCD में। ये 99% ऑटोफिल आ जाएगा। यदि ऑटोफिल नहीं आता है तो आपको स्वयं से डालना होगा। अब यहाँ पढ़ लीजिए कि आपने डोनेशन वगैरह दिया है तो यस करना होगा। ये सब काम के वैसे नहीं है आपके, ये काम का है आपका एज पर अवेलेबल विद डिपार्टमेंट मेड। ये जो ऑटोफिल आया है कि 1.5 लाख इन्फॉर्मेशन के बाद है, इसके अलावा भी आपके पास और भी डिडक्शन है जो ATC में कवर होते हैं, जैसे कि 5 ईयर टैक्स सेवर FD है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने जमा किया है, लाइफ इंश्योरेंस में जमा किया है कुछ पैसा, और वो इस अमाउंट से ज़्यादा है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं आगे एडिट करके। उसके अलावा कुछ पेंशन स्कीम में, गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में आपने जमा किया है तो यस करना होगा। यदि आपने मेडिकल हेल्थ चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस स्वयं का या अपनी फैमिली का लिया हुआ है तो इसको यस करना होगा, ठीक है। आगे आपको ये फिल करना, आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया हो, उसमें इंटरेस्ट आप देते हैं तो आपको यस करना होगा। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक से लेना होगा यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है तो बच्चों के लिए। सेविंग अकाउंट में आपका जो इंटरेस्ट आप मिला होता है उसका डिडक्शन आपको मिलता है तो उसको यहाँ पे यस करना होगा 10,000 तक के। इसके अलावा कोई डिडक्शन आपको क्लेम करना है तो यहाँ पे एनी अदर का भी ऑप्शन आपके पास है। अब आप कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम जो फॉर्म 16 वाले या सैलरी वाले एम्प्लॉई होते हैं उनके ATC का डिडक्शन होता है, ATD का होता है, हाउसिंग का होता है, और नॉर्मल जो मैंने आपको फॉर्म 16 के हिसाब से सैलरी हेड में इन्फॉर्मेशन डालने को बताया वही ही होता है। इसके अलावा ज़्यादा होता नहीं। यदि होता भी है तो आपके पास स्पेसिफिक ऑप्शन है
वहाँ पे यस करके आप अमाउंट पुट कर सकते हैं। अब समरी यहाँ पे आपकी आ गई, आप चेक कर सकते हैं कि टोटल ATC का डिडक्शन एज पर फॉर्म 16 आपका है या नहीं। साथ पे आपके कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, और आपको लगता है ये ठीक है तो आप एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। और ATD जो इंश्योरेंस रिलेटेड हेल्थ प्रीमियम है आपका खुद का और फैमिली का, यदि सपोज कि आप स्वयं का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली आया है, आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, यस या नो। नो, यदि आपके कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो नो का ऑप्शन करेंगे। और आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, और 5,000 तक आपको कैश प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एग्जेम्पशन मिलता है, वो आप लिख सकते हैं। यदि आपके फादर या मदर में से कोई भी सीनियर सिटीजन है, उनका आपको मेडिकल का इंश्योरेंस लिया हो, वो क्लेम करना है, तो आपको यहाँ पे यस करके वो क्लेम करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट एज पर प्रीमियम लिखना होगा, हेल्थ चेकअप से रिलेटेड जो एक्सपेंस हुआ वो लिखना होगा। यदि जो आपके पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। आप आगे बढ़ते हैं, ये होने के बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन दबाना है। अब आप देखेंगे आपको सामने समरी आ जाएगी, अब आपको इसको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, अब अगले सेक्शन में जाएंगे हम। अब देखिए हमारे तीन टैब सक्सेसफुली हमने फिल करे हैं, कंफर्म का टिक आ गया है। अब टैक्स पेड में हम क्लिक करेंगे, टैक्स पेड हमारा 26 ईयर्स और फॉर्म 16 से हमारा टैक्स अमाउंट मैच होगा। ये डिटेल चाहे तो हम यहाँ से शो डिटेल करके भी क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा ये किस डायरेक्टर ने टैक्स काटा है, कितना काटा है, ये मैच होना चाहिए। यदि मिसमैच है तो आप फॉर्म 16 के हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, बट उसमें इश्यू आएगा तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो ऑनलाइन शो हो रहा है 26 ईयर्स में वही आप यहाँ लिखिए। 99.99% ये मैच होगा, ये मैच है तो कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे भी आपको ग्रीन टिक आ जाएगा। अब टैक्स लाइबिलिटी पे आपको एक बार और क्लिक करना होगा। अब देखेंगे एक समरी आपके सामने आ गई है हर चीज की, जो जो चीज अपन ने पुट किया है, राइट। आपको टैक्स पेबल आ रहा है या रिफंड आ रहा है ये कंफर्म करके आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा। इससे पहले आपको प्रीव्यू देखने को बोलेगा कि आप एक बार चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, राइट। तो आपको आगे प्रोसीड में बटन करना है, प्रोसीड पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इस केस में मुझे रिफंड आ रहा है, राइट। मैं प्रीव्यू देखता हूँ यहाँ पे, प्रीव्यू देखने से पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ऑथराइज पर्सन का नाम टिक करना है खाली आपको, और प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में एक पूरा फॉर्मेट में आपको इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा फॉर्मेट आ जाता है, फॉर्म आ जाता है जो डिटेल में होता है, हर चीज़ में होती है। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, फॉर्म 16 से मैच करना है, और उसके बाद चेक करना है कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आपको 26 ईयर्स के हिसाब से मैच करके देखना है टैक्स, और साथ में आपके बैंक अकाउंट की भी करेक्टनेस की चेक करना है। यदि सही है तो प्रोसीड टू वैलिडेट पे जाना है। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का आया, नो एरर, एरर आएगी तो उस पर क्लिक करके उस एरर को आपको ठीक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड करके ई वेरीफाई नाउ करना है, कंटिन्यू करना है, और आधार सेलेक्ट करना है। जैसे आप आधार सेलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर पे आपके एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालिए और फिर आप सबमिट करिए तो आपका ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यदि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ई वेरीफाई लेटर करके आप सबमिट कर दीजिए, तो आप 120 दिन के अंदर कभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। या आपके पास आधार लिंक नहीं है और ई वेरीफाई भी आपको बाद में नहीं करना, तो साथ में ये ऑप्शन है वेरीफाई बाय ITR 5 जो कि फिजिकली आपको भेजना है, इसको क्लिक करिए, फाइल करिए,
उसका एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट लेके आपको उसमें एक एड्रेस नीचे दिया होता है वहाँ पे साइन करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए, तो भी आपका आईटीआर प्रोसीड हो जाएगा। अब मैं इस केस में ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे केस में मेरा आधार जो है मेरे मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आधार पे ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन मुझे मिलता है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा, एग्री करना होगा, साथ में जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पे पुट कर, तो आपका ओटीपी अभी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर में जा चुका है जो कि 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो विद इन 10 मिनट आपको वो ओटीपी यहाँ पे डाल के वैलिडेट करना होगा। अब आप यहाँ पे ओटीपी डाल सकते हैं और क्रॉस चेक कर लग सकते हैं सही डाला है कि नहीं, और वैलिडेट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड यूअर रिटर्न। आपको यहाँ से डाउनलोड रिसीव कर लेना है, जो आपने फाइल किया उसकी रिसीप यहाँ से मिल जाएगी। इसको ओपन करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा, राइट? तो इस तरीके से कुछ आपका फॉर्म दिखेगा, जितना भी पैसा आपका वापस आने वाला है वो आपको यहाँ दिखेगा माइनस पे कि कितना रिफंड आना वाला है, और यहाँ पे ये लिखा होना जरूरी है, डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु। यदि आपने ई वेरीफाई किया तो विद इन लाइक अ 30 to 45 days में आपका रिफंड आपके वैलिडेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट? तो ये थी दोस्तों आईटीआर 1 फाइल करने की पूरी प्रोसेस। थैंक यू सो मच।